पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पार्षद के साथ मारपीट करते हुए पगड़ी उछालने का मामला सामने आया है। सपा पार्षद ने भाजपाइयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाल पगड़ी पहनने पर भाजपाइयों ने हमला किया और पगड़ी उछालते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल कराकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र का। पीड़ित सपा पार्षद ने भाजपा नेताओं पर लाल पगड़ी पहनने पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि घर जाते वक्त उस पर भाजपा के नेताओं ने हमला कर दिया और लाल पगड़ी ना पहनने के लिए दबाव बनाया। जब इसका विरोध किया तो सभी भाजपा के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ और उसकी पगड़ी उछालते हुए उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित सपा पार्षद का एक दांत टूट गया और सिर में भी चोट आई है। फिलहाल सपा पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पीड़ित के परिवार जनों ने पुलिस में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं यहाँ शरीर कहाँ है, किन लोगों ने मारा है, क्या घटना हुई आपके साथ? एक दबंग पदाधिकारी है, भाजपा पार्टी के चारों का रखे हैं और पीछे आए, मेरी पगड़ी उछाली, बोले लाल पगड़ी मत पहना करो, हिंदू हो तुम सरदार हो और तुमने हमारा खून पी लिया, लाल पगड़ी पहनते बैठ फिर मारना शुरू हो गया। आज 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 चौबर है डॉक्टर, एक तो इतना बड़ा चमंटा था, लोहे का पाइप था और दो डंडे थे। मैं तीन लोगों डांटा हूँ, पांच थे, दो को मैं नहीं डांटा, कभी कोई मेरी डंडी किसी से हुई नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अब मैंने कहा मेरी माँ जो मुझे गुनाह बताओ, बोले लाल पगड़ी का गुनाह है, बस लाल पगड़ी नहीं करनी, तुम आखिर के आदमी हो इसलिए मारा जा रहा है। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के पार्षद हूँ। हाँ, पदाधिकारी दबंग व्यक्ति थे, हाँ सज्जन आदमी नहीं थे, दबंग बदमाश टाइप के आदमी है। कामिल मंसूरी नाम है। कामिल मंसूरी जी, जो पार्षद के साथ मारपीट हुई, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये हमारे समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 5 से पार्षद हैं और ये सरदार हैं और ये लाल पगड़ी हमेशा बांधे रहते हैं, समाजवादी पार्टी का जो रंग है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने इन्हें मारपीट कर, और ये जो इन्होंने बताया अभी कि उन्होंने मुझसे ये कहते हैं कि लाल पगड़ी मत बांधा कर, और उसी बात को लेकर इन्होंने पीटा है। तो हमें सूचना मिली कि ये कुछ लोग इनके क्षेत्र के लेकर आए थे, जब ये यहाँ लेकर आए थे तो हमने उसके बाद यहाँ देखा थाने में आकर हमने, तो यहाँ जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है उसके बाद इन्हें अस्पताल भेजने का काम कर रहे हैं। इनके जो लोग लेकर आए थे हमने देखा तो इनकी काफ़ी हालत ख़राब है, दांत भी टूटा हुआ है, पसली में चोट है, पेट में चोट है, तब इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का जो रंग है वो लाल है, लाल टोपी है, उस तरीके से अभी देखा आपने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बयान दिया लाल टोपी वाले गुंडे, तो इस तरीके लेकर हीन भावना पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग, लाल टोपी या लाल पगड़ी को देखकर टारगेट कर रहे हैं लोगों को। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि आप देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो कि अपने वार्ड के पार्षद है उसको लेकर, उन्होंने सिर्फ लाल पगड़ी बांधते हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ये दिक्कत है और लाल पगड़ी को देखकर उन्हें पीटते हैं। वो आपके सामने भी उन्होंने बयान दिया कि मेरी लाल पगड़ी, कहते हैं कि लाल पगड़ी मत बांधा कर अगर तुझे पार्षद रहना है तो। ये वार्ड नंबर 5 से नगर निगम के पार्षद हैं वर्तमान में। देखिए, हमें अभी यह सूचना अभी तत्काल में मिली कि हमारी पार्टी के पार्षद को पीटा गया है बुरी तरीके से और उनके क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ थाने लेकर आए, तो हम वहाँ आए, अब आगे देखते हैं कितनी चोट है, उसके बाद हम पूरी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पुलिस का घेराव करेंगे, उसमें तत्काल जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, आगे तक पहुँचाया जाएगा। ये गंभीर घटना है, जनप्रतिनिधि के साथ आप सोच कैसे सकते, कोई सोच सकता है? गुंडा राज चल रहा है, एक आम आदमी क्या करेगा उसमें?
जैसा कि उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उनके लोग जो भी उनके सब क्षेत्र के लोग हैं, कुछ पदाधिकारी हो सकते हैं, जो भी है, अभी पूरी सूचना में नहीं मिली है। उनसे हम पूरी जानकारी लेने के बाद आगे कार्रवाई पूरी पार्टी के साथ करेंगे मिलकर। देखिए, पुलिस को हमने एप्लीकेशन दे दी है और पुलिस ने अस्पताल के लिए उपचार के लिए भेजा है। अब वहाँ जाकर हम देखते कितनी चोट है, उसके हिसाब से हम देखेंगे और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए मांग करते हैं। देखिए, अभी उनके परिवार वालों ने जो नामजद दी है, जिस तरीके से दी है, जानकारी नहीं है, वो आपको बता दी जाएगी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।